Good morning, students. In our fifth chapter of math, shapes and designs, today I am going to teach you the topic 3D shapes. Students, I know that this is very new topic for you all. That what is 3D? आप बहुत ही अजीब सा महसूस करेंगे सुनके कि ये 3D वर्ड क्या है. 3D सुना तो है बट मैथ्स में नहीं. आपने 3D कहाँ कहाँ सुना है बच्चों? आपने देखा होगा आप लोग कुछ थ्रिलर मूवीज़ देखने जाते हैं, कुछ शोज़ देखने जाते होंगे मॉल्स में या सिनेमा हॉल्स में. आपने देखा होगा वहाँ पे 3D के आपके कुछ स्पेक्स दे दिए जाते हैं पहनने के लिए कि ये 3D चश्मे हैं, इसको पहनी तो आपको 3D दिखेगा. और आपको उसमें देखने के बाद आपको एक्सपीरियंस भी है कि आपको महसूस क्या होता है. आपको आपको दिखता है मानो स्क्रीन से कोई चीज़ बिल्कुल बाहर निकल के आ रही है, या 3D गेम्स खेलने जा रहे हैं तो आपको लगता है बिल्कुल जो भी हो रहा है आपके सामने है ना. आपको ऐसा लगता है आप उसको टच कर सकते हो स्क्रीन को, ऐसे ही तो दिखता है. तो बस आपको एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे का मतलब ये होता क्या है, क्यों इसे 3D कहते हैं, क्या है वो नहीं पता. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वही समझाने जा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, व्हाट आर यू वॉचिंग इन दिस वीडियो राइट नाउ? व्हाट आर यू वॉचिंग स्टूडेंट्स? यू आर वॉचिंग अ सिंपल बॉक्स. आप कह रहे होंगे मैम एक सिंपल सा बॉक्स रखा है, इसमें क्या है? बहुत कुछ है बेटा इसमें. ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि मैम क्या समझाने जा रही है. देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे इसमें एक बॉक्स है. इसमें सिंपल सी इसकी जो ये देखो ये लंबाई वाला पोर्शन है, तो ये हो जाएगा इसका लेंथ. दिस इज लेंथ, है ना. ये इसकी चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा इसकी विड्थ. लेंथ विड्थ, विड्थ को आप ब्रेथ भी कह सकते हैं. तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. अब तीसरी चीज इसमें क्या है? और कुछ है? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं. ध्यान से देखिए, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है. एक और चीज़ आप लोग मिस कर रहे हो, देखो मैंने अपना वीडियो घुमा दिया है. अब आप देखेंगे क्या है स्टूडेंट्स इसमें, बताइए. यस, ये है इसकी हाइट. समझ में आया बच्चों? फिर से बता रही हूँ आपको, ये देखिए, ये आ गया इसकी लेंथ, ये आ गई इसकी ब्रेथ, और ये आ गई इसकी हाइट. क्या आ गई? ये इसकी हाइट. तो तीन चीज़ें आपके सामने इसमें आ गई हैं, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? तो कहने का मतलब ये है, ये जो पैटर्न है, ये जो भी शेप्स ये है, जिसके लिए आपको, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको थ्री डायमेंशंस की जरूरत पड़ी है, उसे हम कहेंगे 3D शेप. ये है बेटा 3D शेप. अब ऐसा बहुत कुछ शेप्स आपने घर में देखी होंगी. ये देखिए, ये भी 3D शेप्स है. ये देखिए, ये एक बॉक्स मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है, ये भी 3D शेप्स है. ऐसे आपके पास घर में पेंसिल बॉक्स पड़ा होगा, है ना, ऐसे पेंसिल बॉक्स कोई पड़ा होगा, वो भी आपके पास 3D शेप. ध्यान से देखिए, आपकी जो मैथ्स की बुक है वो भी 3D शेप्स है. तो वो सारी चीज़ें बच्चों 3D शेप्स में आती हैं, जिसमें क्या बताया मैम ने, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है. समझ में आ गया आपको? तो चलिए, सबसे पहले का टॉपिक आपको क्या है, आपको समझने में बहुत ज़रूरी है कि 3D होता क्या है. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3D. 3D का मतलब होता है स्टूडेंट्स थ्री डायमेंशंस. एंड थ्री डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया, इसको ध्यान से पढ़िएगा. थ्री डायमेंशंस का मतलब होता है जिस पैटर्न में या जिस शेप में लेंथ भी होती है, उसकी ब्रेथ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है. ध्यान से सुनिएगा, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, उसे हम लोग कहते हैं 3D शेप्स. ऑल द शेप्स, ध्यान से सुनिएगा, ऑल द शेप्स कैरिंग 3 थिंग्स, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स आर कॉल्ड 3D शेप्स. अगर आपसे इस बॉक्स के बारे में कोई बोलेगा कि इसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, तो आप बता दोगे लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, पर क्या ये कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं, ये इनकम्प्लीट है. कम से कम आपको इसकी हाइट भी तो बतानी पड़ेगी, तब तो जाके ये कंप्लीट होगा. तो इसे कहते हैं हम 3D शेप. अब बात आती है, ये 3D शेप्स जो होती हैं कितने टाइप की होती हैं? तो देखिए बेटा, आप लोग जब बॉक्सेस घर में बहुत सारे देखते होंगे तो अजीबोगरीब टाइप के बॉक्सेस दिखते होंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल की, जो रेक्टेंगल जैसा दिखता है. तो मैंने आपको बताया जो रेक्टेंगल जैसा दिखता है, मतलब ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देती हूँ. ये देखिए, एक मैंने पेज रखा आपके सामने, ठीक है. ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? आप कहेंगे मैम ये रेक्टेंगल है. बिल्कुल सही है. ये 2D शेप है या 3D? यस, ये है आपकी 3D शेप्स. क्या मैंने सही बोला, 3D शेप है?
बिल्कुल नहीं, ये है आपकी 2D शेप। और ये 2D शेप क्यों है? क्योंकि इसमें लेंथ है और ब्रेथ है, हाइट नहीं है, तो ये 3D में काउंटेड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये रखा मैंने, एक 2-डायमेंशनल रेक्टेंगल शेप मैंने यहाँ पे रख दी है। अब इसके ऊपर बेटा ध्यान से देखते रहना, एक रेक्टेंगल के ऊपर मैंने एक और रेक्टेंगल ऐसे प्लेस कर दिया है। नाउ आई एम प्लेसिंग थर्ड वन अबव दिस, और इस तरह से बच्चों एक के ऊपर एक रेक्टेंगल में रखती जा रही हूँ। ध्यान से देखते रहना बेटा, ये देखिए बेटा, एक के ऊपर एक रखती चली गई, उसके बाद ये कुछ ऐसा बन गया। ईजी आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। देख दीजिए, ऐसा एक रेक्टेंगल शेप थी, एक ऐसा रेक्टेंगल शेप थी, उसके ऊपर मैं एक के ऊपर एक ऐसे रेक्टेंगल रखती चली गई, प्लेस करती चली गई, तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ऐसी शेप बनी है, ये शेप और ये जो शेप मैंने आपको दिखाई थी, ये क्या इन दोनों में डिफरेंस है बताइए? यस, इन दोनों में हाइट का डिफरेंस है, बट पैटर्न एक जैसा है। इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, सेम इसमें भी स्टूडेंट्स लेंथ है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, यानी कि चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ, और ऐसे ही जैसे इसमें हाइट है वैसे ही अब इसमें हाइट आ चुकी है। तो ध्यान से देखेंगे तो जब ये एक सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर शेप थी, कहने का मतलब है जब ये सिंपल सी रेक्टेंगुलर शेप थी तो इसमें लेंथ थी, ब्रेथ थी, हाइट नहीं थी, और जब एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरे रेक्टेंगल में प्लेस करती चली गई तो उसमें हाइट आ गई। तो इस ये जो शेप बनी रेक्टेंगल को लेके, ये जो शेप बनती चली गई हमारे पास, इसे हम लोग कहते हैं बेटा क्यूबॉइड। क्या कहते हैं इसे? क्यूबॉइड। तो टाइप्स ऑफ 3D शेप्स में सबसे पहले आपके पास आ जाता है CUBUBOID, क्यूबॉइड। इसे कहते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आपका बेसिकली बना किससे है? इट इज मेड विथ रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल्स से बना हुआ है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक इसी तरीके से बेटा दूसरी चीज हमारे पास आती है और उसे हम लोग कहते हैं क्यूब। क्यूब यानी कि अगर हम लोग इसी तरीके से एक स्क्वायर लेके चले, एक स्क्वायर अगर हम लोग प्लेस कर दे, जैसे हमने एक रेक्टेंगल प्लेस किया था, उसी तरह से अगर हम एक स्क्वायर रख दें, एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर, उसके ऊपर तीसरा स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर के उसके ऊपर स्क्वायर रखते चले गए बेटा, तो हमें एक शेप मिलती है जो कि हर तरफ से इक्वल होती है। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे एक बॉक्स रख दिया है। इस बॉक्स को आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये तो इसमें क्या देखेंगे आप खासियत, ये देखो इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है। तो ध्यान से देखेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर से आपको इसका सरफेस दिख रहा है वो स्क्वायर है, लेकिन एक ऐसा स्क्वायर जिसकी यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये देखिए अब इसकी हाइट भी हो गई है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हो गई, जैसे मैंने आपको बताया 3D शेप बन चुकी है, जिसकी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई, वो भी 3D शेप हो गई। तो दिस इज ऑल्सो ए 3D शेप, बट दिस इज नॉट क्यूबॉइड, दिस इज क्यूब। दिस इज नॉट क्यूबॉइड, दिस इज क्यूब। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये देखिए इसके बगल में फिर से रख दिया मैंने आपका, ये है क्यूबॉइड और ये है क्यूब। ये क्यूबॉइड क्यों है? क्योंकि इसमें इसका जो सरफेस है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये रेक्टेंगल से बना है, लेकिन ये किससे बना है? स्क्वायर से बना है। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें लेंथ, ब्रेथ और इसकी हाइट, ये देखिए तीनों चीज़ें इक्वल हैं। तो ये हो गया क्यूब और ये हो गया आपके पास क्यूबॉइड। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई है मेरी, तो मैं इसको बता देती हूँ आपके पास। क्यूब क्या चीज़ हो गई? क्यूब किससे मिलके बनता है? इट इज मेड विथ वेरियस स्क्वायर्स। ये बहुत सारे स्क्वायर से मिलके बनता है, और मेन चीज़ जो है वो क्यूबॉइड में, क्या मैंने आपको बताई, क्यूबॉइड में जो लेंथ होती है, जो ब्रेथ होती है, ब्रेथ मतलब बी, लेंथ मतलब एल और हाइट मतलब एच, वो जरूरी नहीं है आपस में इक्वल हो, तीनों अनइक्वल होती हैं, पर जो क्यूब होता है उसमें लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट। समझ में आया बेटा आप लोगों को? आई होप आपको, मैं उम्मीद करती हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी बेटा। ध्यान से देखना, तो इनको हम 3D शेप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें हाइट आ जाती है। नॉर्मली तौर पे जब वो 2D स्ट्रक्चर होता है तो 2D स्ट्रक्चर में जिसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं, उसी को हम 3D स्ट्रक्चर में, उसी स्क्वायर में जब हाइट आ जाती है
तो हम लोग उसको क्यूब कहना शुरू कर देते हैं, स्क्वायर से बना क्यूब। उसी तरह से 2D स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, 3D स्ट्रक्चर में अगर उसी रेक्टेंगल में जैसे फिर से दिखाती हूँ, एक रेक्टेंगल था लेकिन इसी रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल में रखती चली गई तो एक ऐसी शेप बन गई। आपने देखा होगा घर में कार्ड्स, अगर किसी के घर में कोई खेलता है तो कार्ड्स भी कुछ इसी तरीके से होते हैं, है ना। तो एक के ऊपर एक प्लेस करते चले गए तो उसी रेक्टेंगल में हाइट आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है बेटा, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब समझ में आया आपको कि जो आप 3D मूवीज वगैरह देखते हो, थ्रिलर शो देखने जाते हो 3D के, तो उसमें 3D का मतलब होता है आपको स्क्रीन में, फ्लैट स्क्रीन में, बिल्कुल फ्लैट, उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है, आपको उसमें हाइट भी दिख रही है। हाइट का मतलब होता है वो TV के अंदर तक सीमित नहीं रह गया, आपको ऐसा महसूस होता है कि वो बिल्कुल TV से बाहर आ गया है, यानी कि उसकी हाइट आ गई है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 3D। अब याद रखिएगा बच्चों, कभी कोई पूछेगा कि ये 3D हम देखने तो जा रहे हैं पर उस 3D का मतलब क्या है, उस 3D का मतलब है लेंथ, उसकी ब्रेथ एंड उसकी हाइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।